लाहौरियों के, मैं सदके जो इनके बस इन लोगों के जज्बे बड़े, बहुत सहाबा कराम वाले जज्बे थे इनके। इन्होंने हमारी इतनी खिदमत की, महाजरीन की इतनी खिदमत की, लाहौरियों ने इतनी खिदमत की कि आप तसव्वुर में भी नहीं सोच सकते कि इन्होंने कितनी खिदमत की। जब वो नौजवान लड़कियों को देखते थे तो उनकी आंखें नीची हो जाती थी, और जब वो बुज़ुर्गों को देखते, माइयों को, बड़ों को देखते थे तो वो उनके आगे सर अपना कर देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़ौजी जो चंद हमें मिले, चंद फौजी जो मिले, उनके जज्बे और उनकी बड़ी अजीब बात थी, कसम अल्लाह पाक की। तो मैं 8वीं माह में पढ़ता था इतना नहीं, लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ ना तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की फ़ौज नहीं थी। और जान के लड़े जो पड़े थे, नौजवान लड़कियाँ थी लोगों की, नौजवान बहुएँ थी लोगों की। बिलीव मी, मैं अपने ईमान के मुताबिक ये समझता हूँ कि पाकिस्तान उस दिन दूसरी दफ़ा पाकिस्तान ने जन्म लिया था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइव सुक्ताई बाली टीवी के साथ इस वक्त हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है जो जंगे सितंबर की जो जंग हुई थी उस दौरान जो पाक फ़ौज ने जो बहादुरी और शजाअत का जो मुजाहरा किया, और इंडियन फ़ौज जो कि उस वक्त पाकिस्तान फ़ौज के मुकाबले में एक बहुत बड़ी फ़ौज थी उसको नाकों चुने चुबोए। इंडियन आर्मी जब यहाँ से नाकाम वापस लौटी और जाते जाते उसने जो यहाँ की मुकामी आबादी को जो नुकसान पहुँचाया और जो जो लोगों के घरों को जो नुकसान पहुँचाया, आइए पूछते हैं बुज़ुर्गों से कि वो क्या आलम था और जंग की क्या सूरत हाल थी उस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हमारा गांव पढ़ाना जो बरकी सेक्टर में है वो बिल्कुल एट द नेक ऑफ द बॉर्डर है, तो एक तो ये बात है। दूसरी ये कि फ़ौज तो उस वक्त भी इंडिया की बड़ी थी और अब भी बड़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह के कमाल एहसान व फजल के साथ हमारी फ़ौज और हमारा असला उस वक्त भी उनके मुकाबले में बड़ा कमतर था, और फ़ौज हमारी ठीक थी ज़बरदस्त। लेकिन असले की बात कर रहा हूँ, फ़ौज के जज्बे में, फ़ौज की ट्रेनिंग में, और फ़ौज के किसी किस्म के भी आपके मतलब जो जज्बात होते हैं उसमें हम शक नहीं कर सकते बिल्कुल। और इंडिया की फ़ौज उस वक्त भी भेड़ थी, गीदड़ थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी वो गीदड़ ही है हमारे हिसाब से। अच्छा, 65 की जंग में मैं 8वीं जमात में पढ़ता था, छुट्टियां हुई थी स्कूल से, तो रात को हम अपनी छत के ऊपर, क्योंकि गर्मियां थी, 6 सितंबर और 5 सितंबर की दरमियानी रात थी, तो हम छत पे सोए हुए थे। तो हमारी चूँकि वो बॉर्डर है तो स्मगलर्स के ऊपर वहाँ आम उन दिनों में मतलब दूसरे चौथे पाँचवें आठवें दसवें दिन फायरिंग होती थी, वहाँ गोलाबारी होनी शुरू होगी जो फायरिंग से बहुत बड़ी चीज़ थी। और हमने कहा कि ये फायरिंग नहीं, और ये इससे पहले कोई 10-12 दिन पहले थोड़े बहुत फ़ौजी, बल्कि महीना पहले थोड़े बहुत फ़ौजी हमारे वहाँ बॉर्डर लाइन के ऊपर यानी कि हमारे देहात में वो गश्त किया करते थे, तो मतलब और उन्होंने हमें बताया था कि हम भी खबरों में पढ़ते थे, मतलब उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि इंडिया का जो वज़ीर आज़म है उसने कहा है कि हम अपनी मर्ज़ी से मतलब जंग मैदान महाज खोलेंगे। तो फिर वो हमने यही, तो मेरे बड़ी बहन थी। अच्छा, आपको खबरों से ये पता लग रहा था कि जंगी माहौल को बन जंगी माहौल बिल्कुल बना हुआ था, बड़ा टाइट थे हालात। अच्छा। हमारी मेरी बड़ी बहन मरहूमा रहमतुल्लाह अलैह जो मुझसे इस वक्त मेरी प्लस 69 ईयर उम्र है मेरी, तो मेरी बड़ी बहन तकरीबन मुझसे 10-15 साल बड़ी होंगी, तो उन्होंने ना वो उनकी आँख खोल के तो उन्होंने कहा ये जंग लग गई, क्योंकि खबरें तो हमारे घर में, अल्लाह का शुक्र है हमारा घराना काफ़ी मतलब उस इलाके में एक पढ़ा लिखा जो सबसे ज़्यादा घराना था वो हमारा था। अच्छा, फिर जब खैर उठे तो सारा कुछ, ये तकरीबन मेरा खैर रात के 3 बजे का टाइम था, गर्मियों का 6 सितंबर था, तो हम फिर उठे जहर सुना ही था, वो एक दफ हंगामी हालात जो हो गए, गांव वाले जो मतलब मोतबर किस्म के और पढ़े लिखे और जो मतलब अच्छे वो इकट्ठे हो गए, वो जनाब उन्होंने मतलब इकट्ठे जब हो गए, शाही गांव है हमारा, तो उन्होंने फिर इसमें मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। हडियारा जो है वो हमारे गांव से तकरीबन 9 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर था, इंडियन फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया है, और उन्होंने उनको उसके मतलब सारे हडियारे के लोगों को सड़क के ऊपर जो हरी के रोड कहलाता था, लाहौर से
मतलब इंडिया से शुरू होता था, हरी के एक पतन है जो दरिया शायद सतलुज के ऊपर वाक़ है, तो वो वहाँ से लाहौर तक जो स्टेशन मतलब सदर तक जो सड़क थी ना वो हरी के रोड कहलाती थी। हरी के एक गाँव है बहुत बड़ा वहाँ। अच्छा, उस हरी के रोड के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया हड्यारे तक, और अभी बरकीनी हड्यारे ही हैं वो, और उन्होंने वो सारे गाँव के बड़े बड़े लोगों को और औरतों को और बच्चों को सड़क के ऊपर लिटा दिया है, बिठा दिया है, और हमें देख के उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की, और हमने ना अपनी साइकिल फेंक दी और क्रॉलिंग करते हुए साइकिल किसी तरह बचते बचाते हम वापस आ गए। तो उन जब बुज़ुर्गों ने ये बात सुनी जो इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने कहा फिर यहाँ हरियाणे पे कब्ज़ा किया ना, तो उन्होंने जनाब उन्होंने कहा हम यहीं रहते हैं कोई बात नहीं। फिर खैर जी चारों नचार हम 2 बजे 2:30 बजे वहाँ से निकल ही पड़े सारे गांव वाले ख्वातीन समेत, और डंगर थोड़े बहुत हमने अपने साथ लिए डंगर डोर जो थे, और वहाँ मतलब हम चल दिए, और ये हम सड़क की तरफ नहीं आए, मेन सड़क जो थी उसकी तरफ नहीं आए जो बरकी रोड है, बल्कि हम बीचों बीच जो था ना खेतों में से हम आए, छोटे बहुत जो पाया कहते थे कच्चे रास्ते को पाया कहते थे, और कच्चे रास्तों से हम होते हुआते हम जनाब आए पदरी गांव जो बरकी के बरकी नहर से पार लाहौर की तरफ। अच्छा उस वहाँ, लेकिन इसमें एक मैं आपको बात बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फौजी जो चंद हमें मिले, चंद फौजी जो मिले उनके जज्बे और उनकी बड़ी अजीब बात थी, कसम अल्लाह पाक की अभी मैं जब याद करता हूँ तो रोना आ जाता है। वो नौजवान सूबेदार वगैरह इस तरह के थे और जवान थे वो सिपाही हवालदार वगैरह, वो 4-5-6 की टुकड़ियों में थे। जब वो नौजवान लड़कियों को देखते थे तो उनकी आंखें नीची हो जाती थी, और जब वो बुज़ुर्गों को देखते माइयों को बड़ों को देखते थे तो वो उनके आगे सर अपना कर देते थे प्यार लेने के लिए, के और कहते थे अम्मा जी बहन जी चाची जी मासी जी आप हमारे लिए दुआ करें, बस आज की रात निकल जाए, बस आज की रात निकल जाए, ये एक हर फौजी ये कह रहा था बस आज की रात निकल जाए। अच्छा वो खैर जी वो फिर हम मतलब उनका उस वक्त मैं 8वीं माह में पढ़ता था इतना नहीं, लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ ना तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की फ़ौज नहीं थी, वो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया की फ़ौज थी, मुसलमान फ़ौज थी वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो वो फिर हम आ गए पदरी रात, फिर हम मतलब वो छोटा सा पुल था, तो वो उन्होंने ना हमें फ़ौज वालों ने कहा कि हम डंगर नहीं जाने देंगे ना कोई गाड़ी जाने देंगे, क्योंकि किसी दो एक पटवारी साहब थे मरहूम रहमतुल्लाह अलैह पटवारी नायब साहब, उनके पास टैक्सी थी, उन्होंने कहा ना हम गाड़ी जाने देंगे ना हम कोई डंगर जाने देंगे, सिर्फ ख्वातीन बच्चे और मर्द जो भी हैं बूढ़े जो भी हैं वो सब, ये छोटा सा पुल था वो 6 फुट चौड़ा होगा और वो लोहे का बना हुआ था टेम्परेरी जो फौज बनाती है, तो वो जनाब लीना उन्होंने कहा इसके ऊपर से आपने गुजरना है, उसके आपसे फिर डंगर शंगर तो हमारे सब पीछे रह गए, और ये गाड़ियाँ और छकड़े वगैरह या जो भी थे टांगे छांगे, फिर बंदे गुजरे। तो खैर जी मुझे याद पड़ता है एक टैंक खड़ा हुआ था पाकिस्तान का, और वो टैंक उसका चेन टूटा हुआ था। अब बताएं जब बंदे की टांग ही टूटी हो तो उसने क्या करना है, तो उस टैंक ने भी क्या करना था। तो पाकिस्तान आर्मी की उस वक्त जज्बे अलग थे, लेकिन हालात क्या थे तो, और जो इस जो जंगी साजो सामान के हालात ये थे। हाँ हालात ये थे, टैंक एक था और कहीं हमें इक्का दुक्का फौजी नज़र आ रहे थे। अच्छा तो वो टैंक चल नहीं सकता था, फिर जनाबी रीना उन्होंने बीआरबी बरकी तक पता नहीं मुझे अब मैं मुझे याद नहीं है कि कब उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, लेकिन ये है कि पहले दिन तो हड्यारे तक आए थे, फिर हम मतलब आगे चले, सब हमारी तरह लाखों अफराद थे लाखों बंदे थे मतलब ख्वातीन बच्चे बूढ़े सारे जो मतलब हिजरत करके आ रहे थे और डंगरों को आगे नहीं आने दे रहे थे, और डंगर पीछे लाखों डंगर पीछे थे बीआरबी के पीछे यानि के बॉर्डर की तरफ। बहरहाल हम आ गए रात, फिर हमने ना बौली कैंप में गुजारी और आगे फिर हम लाहौर आ गए, और हर तरफ एक हंगामा मचा हुआ था, हंगामी हालात से लाहौरियों के मैं सदके जाऊँ, मैं भी लाहौर बेशक देहात का रहने वाला हूँ, लाहौर में मैं पढ़ा हूँ, कॉलेज मेरा और बाकी लाहौर में ही हुआ है, इनके बस इन लोगों के जज्बे बड़े बहुत साबा कराम वाले जज्बे थे इनके, इन्होंने हमारी इतनी खिदमत की, हम महाजरीन की इतनी खिदमत की, लाहौरियों ने इतनी खिदमत की कि आप तस्वर में भी नहीं सोच सकते कि इन्होंने कितनी खिदमत की। क्या ऐसा, हमने कहानियाँ सुनी हुई हैं लेकिन आप तो आई विटनेस हैं,
क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि क्या फरिश्तों ने उस वक्त कोई मदद की थी पाकिस्तान? ये कह रहे हैं ना कि फरिश्तों ने मदद की, तो यकीनन अल्लाह पाक ने अपने कुरान में और मतलब ये कहा है ना कि मैं तो इतने फरिश्ते उतार सकता हूँ, मतलब मेरे सारे बस में है, मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। अल्लामा साहब ने भी कहा कि फरिश्ते अब भी फरिश्ते उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। तो यकीनन हमारी फ़ौज की जो वो दो तीन रातें थी ना, वो बड़ी मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी। ख़ास तौर पर 6 और 7 सितंबर की खसूसी रात, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, बहुत मुश्किल थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यकीनन ये फरिश्तों ने मदद की होगी अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। क्योंकि फ़ौज तो हमारे पास, वो फिर हमने देखा कि फिर अगले दिन या उससे अगले दिन फिर फ़ौज मतलब काफ़ी आ गई थी, काफ़ी अमराज मुनासिब आ गई। उसकी वजह ये थी ना कि हिंदू और चलाक दुश्मन, शातिर दुश्मन, उसको पता था कि दिन के टाइम में नहीं कुछ कर सकता, उसने रात का फ़ायदा उठाते हुए और बिल्कुल जो इंटरनेशनल कवानीन है और उनको रोनते हुए वो उसने एक मकारी से हमला किया। तो बहरहाल जब आप लाहौर गए तो लाहौरियों का आप जिक्र करते हुए आपकी आंखों में आंसू आ गए, मंज़र क्या था जो आप वो बताते बताते रुक गए? मंज़र ये था कि हर तरफ बंदे ही बंदे नज़र आ रहे थे सड़कों के ऊपर, बल्कि हमसे किराया तक डबल डेकर वालों ने लिया। हम लाहौर सदर बाज़ार गोल चक्कर था, वहाँ डबल डेकर रुकी और हम हाजरों को उसने बिठाया, और चूना मंडी हमारे मामू रहते थे, वहाँ तक हम मुफ्ती गए। किसी ने हमसे कोई रास्ते में जो भी मिला, कोई हमें पानी पिला रहा है, कोई हमें शरबत पिला रहा है, कोई हमें खाना खिला रहा है, ऐसा एक जज्बा था, ऐसा जज्बा मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो मतलब ये जंग का एक दिन, मैं क्या बता रहा हूँ कि वो जज्बा जो दीदनी था बयान के काबिल नहीं है, लफ्ज़ नहीं है मेरे पास नहीं, किसी के पास भी लफ्ज़ नहीं है जो इन लोगों ने, ये हमारे मुसलमान भाइयों ने, ये लाहौरियों ने जो हमारे साथ सलूक किया। इतना हम पढ़ते हैं सहाबा कराम की बातें, लेकिन उस वक्त हमें नज़र आई सहाबा कराम की बातें, और मैं मतलब अब तक वो हम महसूस, उसकी जो चाशनी, उसकी लज्जत, उसकी खुशबू अभी तक हमारे सांसों में और हमारे दिमागों में रची बसी है। आपकी वापसी किस तरह हुई, और जब वापस गए तो इलाके के हालात, क्योंकि जानवर तो आपने पहले बता दिए कि हमारे नहीं आ सके, थोड़े थोड़े आ गए थे जानवर, फिर बाद में जब बंदे सारे गुजर गए ना, फिर उन्होंने जानवरों को इजाज़त दी जब सारे बंदे गुजर। लेकिन जब आप वापस गए तो वहाँ का क्या मंजर था इलाकों का? देखिए हमारी फ़ौज ने BRB की नहर तक तो वो आ गए थे, और उसके बाद ये हुआ कि हमारी फ़ौज ने BRB के मेजर अब्दुल अज़ीज़ भट्टी रहमतुल्लाह अलैह और इनके जो ऐसे ही मेजर अब्दुल अज़ीज़ भट्टी, सारे ही मेजर अब्दुल अज़ीज़ भट्टी थे जितने भी थे, वो सिपाही से ले कर चौक मतलब वो बची से ले कर और हमारे वो जो मतलब जो थे जनरल वगैरह, वो सारे ही मेजर अज़ीज़ भट्टी थे। उन लोगों ने फिर अपने थोड़ी फ़ौज ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत फिर वो BRB बहती रहेगी। मशरकी साहब ने लिखा है ना, तो BRB अब भी, पहले भी बह रही थी, अब भी बह रही है और इंशाल्लाह ताला बहती रहेगी। BRB से उन्हें क्रॉस नहीं करने दिया। वो जनरल चौधरी उनके जो लोग कह रहे थे कि हमने नाश्ता लाहौर जाके वो कौन सी जगह है वहाँ करना है, जिम खाने करना है हमने नाश्ता, और वहाँ जाके हम शराब पियेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 17 दिन वो अपना सर पटोलते रहे BRB के किनारे के ऊपर। अच्छा, मैं इस बात पे बड़ा हैरान होता हूँ, और कि वो कहते थे कि हम वहाँ जाके चने खाएंगे लाहौर, लाहौर और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने BRB से पीछे पीछे उनके अपने चने भून दिए। चने तो उनको जो चुभवाए लोहे के पाकिस्तान फौज ने, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं मोहम्मद तारिक खान वल सजावल खान, मैं ये समझता हूँ, बिलीव मी, मैं अपने ईमान के मुताबिक ये समझता हूँ कि पाकिस्तान उस दिन दूसरी दफ़ा पाकिस्तान ने जन्म लिया था। अच्छा, वो जो मंजर अभी मतलब कि जो वापसी का जो था, वापसी हाँ, क्या हालात देखे वापसी पे? हमारे तकरीबन सारे घर, अगर किसी की तूड़ी भी बाहर पड़ी हुई थी ना, वो भी ले गए थे वो इंडियन, तो घरों की छतें, घरों की ईंटें तक ले गए थे। कोई चीज़ हमें मतलब खंडर 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 ही खंडर खंडर ही खंडर, बहुत बड़ा किला है माशाल्लाह वहाँ, वो जो वहाँ के सरदारों ने बनाया, मानुल खान मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के बुजुर्गों ने जो बनाया गया। अच्छा, इसके दौरान जो, चलो ये तो घर ईंटें छतें, लेकिन इतनी जल्दी में कुछ लोग अपने सोना, अपना जो माली चीज़ें उनकी होती हैं, कोई पैसे वगैरह वो भी नहीं लेके जा सके होंगे, तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं बचा होगा भाई। उसमें बरखुरदार अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खैर बरकत डाले, बरखुरदार वहाँ उस वक्त तो जान के लाले पड़ गए थे, और जान के लाले जो पड़े थे, नौजवान लड़कियाँ थी लोगों की, नौजवान बहुएँ थी लोगों की,
लोग इज्जत की वजह से पता नहीं किस तरह भाग के वहाँ से गए थे। वहाँ तो रोटियाँ, बिलीव मी, आप मुझे में यकीन करें, पकी पकाई रोटियाँ छोड़ गए थे लोग, पकी पकाई रोटियाँ, पका पकाया सालन, मतलब वो छोड़ गए थे। लस्सी तक नहीं रेड़क रखे थे वो लोग, यानी कि लस्सी नहीं बना सके थे जो उनकी वो चाटियों में पड़ी थी। ये हालत थी उस वक्त। अच्छा, ये तो 1965 के सारे आपने हालात और वाक़यात बताए। जी जी, एक बुज़ुर्ग पाकिस्तानी होने के नाते से, एक महबे वतन होने के नाते से, और इस तरह से जंग को देखने से, आज जो पाकिस्तान का माहौल और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो लोग बोलते हैं और जो लोग बातें करते हैं, एक मैसेज उनके लिए क्या ऐसा मैसेज देंगे कि जो उनको वाकई उनकी आंखें खोल दे, जिस तरह आज आपके आंसू बह रहे हैं और आपने जो फ़ौज का जिक्र किया और आपने लाहौरियों का जिक्र किया, आज कोई ऐसा मैसेज जो दोबारा से दिलों को जोड़ दे। मैं सिर्फ लाहौरियों की बात नहीं करता, हम खानकाह डोगरा तक गए उस वक्त, जहाँ भी हम गए हैं, मतलब बीइंग महाजर के तौर पे, लोगों ने भरपूर हमारी मतलब खुशामदीद हमें कहा और हर तरह हमारी इज्जत की है, हमारी बहनों की, माओं की, बुज़ुर्गों की इज्जत की है और हर तरह उन्होंने हमारा ख्याल रखा है। दूसरी ये बात कि मतलब लोगों को सारे मतलब सबका रवैया ये था। अब आपने जो मैसेज कहा है, मैसेज मैं मतलब लोगों के लिए क्या दूँ मैं मैसेज, हमारा मुल्क और हमारे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं। अब मैं तो यहाँ, अगर मैं इंटरव्यू ना दे रहा होता ये टीवी के ऊपर, पता नहीं मैं मेरी ज़ुबान फिर कैसी होती। अब मैं क्या मैसेज दूँ, ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे मुफक्करीन और ऐसे मुदब्बरीन लोगों ने यह बनाया है बहुत काविशों के साथ। अब उन्होंने इतनी काविशें की, इतनी कुर्बानियाँ दी, सारा कुछ करने के बाद अब हमारे ही मुल्क में लोग बैठ के फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, हमारे अदारों के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, हमारे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल के और मुख्तलिफ अकाबरीन के ख़िलाफ़ लोग तोहमतें लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, खराफात बकते हैं। इनको अल्लाह पाक हदायत दे, नहीं तो इनको बर्बाद कर दे अल्लाह पाक। और दूसरी ये बात कि मतलब ये पाकिस्तान लिया था, इसकी यहीं बैठ के लोग अफसरियाँ भी करते हैं, यहीं बैठ के लोग कमाते भी हैं, बड़े बड़े ताजर भी हैं, बहुत अमीर भी लोग हैं, और इसी मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़, इसी मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ और इसी मुल्क, इस अजीम सल्तनत के ख़िलाफ़ वो जनाब अली ने बातें भी करते हैं। मेरा पैगाम सिर्फ यही है कि बंदे के पुत्र बनो। अल्लाह पाक ने एहसान किया और एहसान के लिए इस मुल्क में बंदे पैदा किए कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जैसे और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह और दूसरे जो काबरीन, सारे एक से बढ़ के एक थे। हर तरफ हर चीज़ को मुतनादा किया जा रहा है, वो कायदे आज़म हो, वो अल्लामा इकबाल हो, वो मोहम्मद अली जन्ना हो, वो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैहा हो, कोई भी हो, ये तमाम रहमतुल्लाह अलैहिम, ये अब इनको मुतनादा किया जा रहा है। और हमारे बुज़ुर्गों ने बताया हमें, वो कहते थे कि हमने देखा हर तरफ मुसलमान कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह पाक ने तुम लोगों को ये तोहफ़ा दिया है, तोहफ़ा, तो इस तोहफे की कदर करो और इस तोहफे को पहचानो और इस तोहफे को संभालो, ऐसे ही जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है। और वो लोग जो इसके ख़िलाफ़ बोलते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको गैरत आनी चाहिए। और यहाँ ये पाकिस्तान दीन के नाम पे लिया गया है और इंशाल्लाह ताला दीन के ऊपर क़यामत तक कायम रह गई है। तो पाकिस्तान के बारे में सोच के, 65 की जंग के बारे में सोच के, और ये जो लोग आजकल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, हमारी फ़ौज प्रो पाकिस्तान और प्रो इस्लाम है, अगर कोई बात ये देखे और सुने तो उसको इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह प्रो पाकिस्तान और प्रो इस्लाम है, जज्बा जिहाद से पूरी तरह मुसल्ले है ये। उस वक्त भी हमारे पास असला नहीं था और अब भी हमारे पास असला नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने एक सुपर पावर को ख़त्म कर दिया और दूसरी सुपर पावर हमारे ही तलवे चाट रही है। तो इसी तरह इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ज़िंदा रहेगा, पाकिस्तान पाइंदा रहेगा क़यामत तक। आपने इनकी आंखों में आंसू देखे, ये आंसू इनकी कोई जायदाद या इनकी औलाद के लिए नहीं बह रहे या इनकी कोई प्रॉपर्टी के लिए नहीं निकल रहे, ये इस पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं, ये उनके जज्बात हैं, बहसियत कौम और इस कौम के जो नौजवान हैं उनको इन आंसुओं को देखना चाहिए, इन आंसुओं से सबक हासिल करना चाहिए। और ये पाकिस्तान कितनी बड़ी नेमत है ये आंसू आपको बता सकते हैं।